दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी उन मूवीज के बारे में वीडियोस बना रहा हूं जो इस साल के एकेडमी अवार्ड्स में बहुत ही अहम फिल्म साबित हो सकती हैं। इससे पहले मैं बना चुका हूं मा रेनीज़ ब्लैक बॉटम और मैंक के बारे में। आप इन दोनों मूवीज के एक्सप्लेनेशन आई बटन में देख सकते हैं। हमारी आज की फिल्म भी उसी रेस में शामिल है। मैं बात कर रहा हूं लास्ट ईयर आई फिल्म प्रॉमिसिंग यंग वुमन के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है एमरल फेनल ने। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं कैरी मुलिगन, बो बर्नहम, एलिसन ब्री, क्लेंसी ब्राउन, जेनिफर कूलिज और लेवन कॉक्स ने। पहले मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा, फिर हम इसकी एंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसकी एंडिंग क्या खामियां हमारे सामने छोड़कर जाती है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये कहानी है एक 30 साल की औरत कैसेंड्रा थॉमस की, जिसे प्यार से सब कैसी कहते हैं। फिल्म शुरू होती है एक क्लब के सीन से जहां तीन लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। कैसी यहीं बिल्कुल नशे में धुत होकर बैठी हुई है। यहीं इन तीन लड़कों के नजर उस पर पड़ती है, जिसमें से दो उसके नशे में होने का फायदा उठाने की बात कर रहे हैं, पर उनमें से जेरी नाम का एक लड़का थोड़ा शरीफ नजर आता है। वो उसे अपने साथ घर ले जाता है, उसे ड्रिंक्स ऑफर करता है और फिर हम देखते हैं कि उन दो लड़कों की तरह ही जेरी भी कैसी के नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है कि तभी वो नशे में होने की एक्टिंग बंद कर देती है और होश में आकर जेरी से पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। जेरी एकदम फ्रीक आउट हो जाता है और यहीं सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर में ऐसे लड़कों का काउंट अपनी डायरी में रोज रखती है। दरअसल वो ऐसे ही रातों को क्लब जाती है और वहां नशे में होने का नाटक करती है ताकि कोई लड़का उसे अपने घर ले जाए। वो वहां तब तक नशे की एक्टिंग में रहकर इंतजार करती है जब तक कोई लड़का उसके नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता और फिर बाजी पलटकर उसके हाथ में आ जाती है। वो उन्हें अपने असली रूप में आके डराती है और धमकाकर उन्हें खुद से दूर कर देती है। खैर वो 30 साल की एज में भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। कई साल पहले वो अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड नीना फिशर के साथ मेडिकल स्कूल में थी। हालांकि उनके क्लासमेट अलेक्जेंडर मंड्रो द्वारा नीना का रेप होने के बाद स्कूल और लीगल सिस्टम दोनों उसे न्याय दिलाने में नाकामयाब साबित होते हैं। नीना मेडिकल स्कूल छोड़ देती है और उसका ख्याल रखने के लिए कैसी भी ड्रॉप आउट हो जाती है। नीना आखिरकार इन चीजों से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है। कैसी अब एक कॉफी शॉप में काम करती है। वहीं कैसी का सामना होता है एक पुराने मेडिकल स्कूल क्लासमेट रायन कूपर से। वो उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है। शुरू में कैसी कुछ इनकार करती है पर इवेंचुअली मान जाती है। उनकी पहली डेट के दौरान ही रायन यूं ही जिक्र कर देता है कि उनका पुराना क्लासमेट एल मनरो शादी कर रहा है। ये सुनने के बाद कैसी एग्जैक्ट रिवेंज का एक प्लान बनाती है जिसमें वो उन सभी से बदला लेना चाहती है जिन्हें वो नीना के साथ हुए गलत काम और उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। इसमें उसका पहला शिकार होती है उसकी पुरानी फ्रेंड मेडिसिन मैकफी, जिसने उस वक्त नीना के लगाए हुए आरोपों को मानने से इनकार कर दिया था। वो एक रेस्टोरेंट में लंच पर मिलते हैं। कैसी पहले पहुंचकर उसके लिए शैंपेन और अपने लिए जिंजर एल मंगवा लेती है जो दिखने में बिल्कुल शैंपेन जैसी ही लगती है। वो उसे इंटेंशनली ज्यादा पिला देती है। फिर वो एक आदमी को मेडिसिन को होटल रूम तक छोड़ने को कहती है जिसे उसने खुद हायर किया है। ये हादसा होने के बाद कैसी मेडिसिन के सारे कॉल्स को नजरअंदाज करती है। फिर हम देखते हैं कि कैसी एक स्कूल के पास एम्बर नाम की एक लड़की के सामने फेमस बैंड वेट ड्रीम्स की मेकअप आर्टिस्ट होने का नाटक करती है और कहती है कि उसका फोन डेड हो गया है और उसे कैसल डाइनर जाना है। एम्बर को वो बैंड बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वो एम्बर को रास्ता पूछने के बहाने अपनी कार में बैठा लेती है और चालाकी से उसका फोन भी ले लेती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर कैसी अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने के बहाने अपने मेडिकल स्कूल वापस जाती है
और यहां हम उसके अगले शिकार से मिलते हैं जो उनके मेडिकल स्कूल की डीन मिसेस एलिजाबेथ वॉकर हैं, जिन्होंने नीना के रिपोर्ट करने पर भी उसके साथ हुए गलत काम के लिए कुछ नहीं किया। वो उससे उसके ऑफिस में मिलती है, अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने की बात करते करते वो उससे उन चीजों के बारे में पूछती है जिनकी वजह से नीना ड्रॉप आउट हुई और बाद में उसकी मौत हुई। डीन को नीना याद नहीं होती, फिर कैसी उससे एल मंडरो के बारे में पूछती है जिसपे उस वक्त इल्जाम लगाया गया था। इस बात को एक्सप्लेन करते हुए डीन वॉकर कहती है कि उस वक्त सबूतों की कमी रही होगी, ऐसी शिकायतें हमें मिलती रहती हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर शिकायत पर किसी यंग लड़के की जिंदगी को बर्बाद कर दें। लड़कियों को भी अपना ध्यान रखना आना चाहिए, पता होना चाहिए वो कब किसके आगे खुद को वल्नरेबल बना लेती हैं। इसलिए उसने मंडरो को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, क्योंकि जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक कोई कसूरवार नहीं होता है। कैसी उसकी बातों से पूरी तरह अग्री करती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है आप उन लड़कों को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देंगी जिनके साथ मैंने आपकी बेटी एम्बर को उसी रूम में छोड़ा है जहां नीना के साथ वो भयानक हादसा हुआ था। उनके पास काफी शराब की बॉटल्स हैं, वो एम्बर का अच्छा ख्याल रखेंगे। वॉकर को यकीन नहीं होता, वो एम्बर को कॉल करती है और उसका फोन कैसी के पास ही होता है। वॉकर कुछ ही देर में उसके आगे गिड़गिड़ाती है कि बता दो उसकी बेटी कहाँ है, और कुछ ही देर में वो नीना के केस को लेकर कहती है तुम सही हो और मैं हमेशा से गलत थी। उसे एहसास दिलवाते ही कैसी कहती है देखा ये कबूल करना कितना आसान था। शायद ऐसी चीजों का एहसास आपको तभी होता है जब आपके किसी अपने के साथ ऐसी घिनौनी हरकत होती है। और घबराइए मत, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है कैसल डाइनर में। वो थोड़ी बेवकूफ है पर खूबसूरत है, वैसे भी ऐसी लड़कियों के लिए दिमाग जैसी चीज किसी काम की नहीं है। इस दौरान कैसी और रायन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो काफी वक्त साथ बिताते हैं, पर एक रात जब वो एक क्लब जा रहा होता है तब वो कैसी को नशे की हालत में एक लड़के के साथ बाहर आते हुए देख लेता है जो कि अपने रूटीन क्लब विजिट पर आई थी। जाहिर तौर पर वो इस सिचुएशन को गलत नजरिए से देखता है और कैसी से मिलना बंद कर देता है। वहीं कैसी बढ़ती है अपने तीसरे शिकार की तरफ जो है लॉयर जॉर्डन ग्रीन। ये वही लॉयर है जिसने नीना के केस में एल मंडरो को डिफेंड किया था और डरा धमका कर नीना को अपना चार्जेस वापस लेने पर मजबूर किया था। कैसी उससे मिलने उसके घर जाती है, हालांकि वहां उसे ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि ग्रीन को आज भी नीना याद है और वो आज भी नीना के साथ किए बर्ताव और अपने गिल्ट से टॉर्चर्ड है। उसने मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से वकालत भी छोड़ दी। कैसी ग्रीन को माफ कर देती है और वहां से सीधा नीना के पेरेंट्स से घर जाती है। वो और नीना की मॉम नीना के बचपन की कुछ यादें ताजा करते हैं और फिर उसकी मॉम उससे जो कुछ भी हुआ उससे मूव ऑन होने को कहती है और ये भी बताती है कि यही हमारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी। ये सब सुनकर कैसी अपना बाकी का रिवेंज प्लान वहीं बीच में छोड़ देती है। वो अपना फ्रेंडर अकाउंट डिलीट कर देती है और अपनी डायरी को फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि कैसी रायन के घर उससे माफी मांगने जाती है। इसके बदले में वो उसे कोई जवाब नहीं देता और कैसी वहां से चली जाती है। अगले दिन रायन कॉफी शॉप में कैसी से मिलने आता है और उसकी माफी को कबूल कर लेता है। कैसी और रायन अपने रिश्ते में बहुत बहुत खुश होते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ तक कि वो उसे अपने घर डिनर पर बुलाकर अपने पेरेंट्स से भी मिलवाती है। कि तभी एक दिन कैसी का सामना होता है मेडिसन से, जो उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। वो ये जानने के लिए बेताब है कि उनके लंच करने के बाद उस दिन हुआ क्या था। कैसी उसकी कॉल पिक ना करने और उसे वापस कॉल ना करने के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि उसके उस रूम में सोने के बजाय उस दिन और कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनके चैन की सांस लेने के बाद इसके रिस्पांस में मेडिसन कैसी को एक फोन देती है जिसमें वो वीडियो थी जो नीना के साथ हुए घिनौने काम के वक्त रिकॉर्ड की गई थी और सबको पास ऑन भी की गई थी। फोन देते हुए वो कैसी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती है कि वो दोबारा कभी उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ना करे। वो इस वीडियो को देखती है और उसे ये देखते हुए इतना ज्यादा हैरानी होती है कि रायन भी उस वक्त वहां खड़े लोगों में से एक था। इसके बाद वो सीधा उसके वर्क प्लेस जाती है उससे मिलने के लिए और जाके उसे वो वीडियो दिखाती है।
वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने ये नहीं बताया कि एल की बैचलर्स पार्टी कहाँ होने वाली है तो वो इस वीडियो को रिलीज कर देगी। रायन उसे बता देता है कि पार्टी कहाँ होने वाली है और फिर उससे माफी की भीख मांगता है, मगर कैसी उसकी गुहार को ठुकरा देती है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। कैसी एल की बैचलर पार्टी में पहुंचती है एक स्ट्रिपर के भेष में। वो वहां पहुंचकर एल के फ्रेंड्स को ड्रिंक्स पिलाती है और एल को प्राइवेट डांस करने के लिए ऊपर वाले रूम में चलने को कहती है। उसके दोस्त जिद करते हैं और वो ऊपर चला जाता है। कैसी वहां उसे बेड में हथकड़ी से बांध देती है और उसे कहती है कि उसका नाम नीना फिशर है। एल ये बात सुनकर समझ जाता है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है, तुम नीना फिशर नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मर चुकी है। वो हड़बड़ाहट में अपने दोस्तों को आवाज देता है, पर पता चलता है कि कैसी ने पहले ही उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला के उन्हें बेहोश कर दिया है। वो बहुत घबराने लगता है और समझ जाता है कि ये तो नीना की फ्रेंड है। वो उसके आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वो कुछ भी करेगा, पर कैसी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी। वो कबूले उसने नीना के साथ क्या किया, पर वो वही घिसी पिटी बात कहता है कि तब हम बच्चे थे, हम नशे में थे, वो भी यही चाहती थी वगैरह वगैरह। ये सुनके कैसी उसे वीडियो के बारे में बताती है। उसमें देखकर तो ऐसा नहीं लगता, असलियत ये है कि तुम्हें लगा था तुम ये सब करके आसानी से निकल जाओगे और कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपने साथ छोटी डॉक्टर की किट लाई होती है और उसमें से स्कैल्पल निकाल लेती है। वो एल के स्टमक पे नीना का नाम कार्व करने की कोशिश करती है ताकि वो कभी किसी के साथ ऐसा सलूक करने से पहले 10 बार सोचे। पर तभी एल लेफ्ट वाली हथकड़ी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और तकिए से दम घोटकर कैसी को मार देता है। अगली सुबह एल का दोस्त जो ऊपर आता है और मजाक में पूछता है कि ये स्ट्रिपर ऐसे क्यों लेटी है जैसे ये मर चुकी है। फिर रोते रोते एल उसे बताता है कि ये वाकई मर चुकी है। ये एहसास होने के बाद कि वो सच कह रहा है, जो उसे विश्वास दिलाता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वो कैसी की लाश को जलाकर ये मर्डर छुपाने में एल की मदद करता है। कैसी के पेरेंट्स अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस इस केस की तहकीकात करना शुरू करती है। एक डिटेक्टिव रायन के वर्क प्लेस पर पहुंच के शांति से उससे कुछ सवाल करता है, पर रायन इस बात का खुलासा नहीं होने देता कि लापता कैसी कहां हो सकती है, और बजाय इसके वो उसको इस नतीजे पर पहुंचा देता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो अपनी जान भी ले सकती है। आखिरकार एल की शादी का दिन आ ही जाता है। उसके वेडिंग रिसेप्शन के दौरान रायन को कैसी के नंबर से कुछ शेड्यूल्ड टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। हमें यह पता चलता है कि बैचलर पार्टी से पहले कैसी ने निंजा की टेप वाला फोन ग्रीन को भेज दिया था। इसी के साथ एक लेटर में उसने ये इंफॉर्मेशन भी दी कि वो कहां जा रही है और अगर वो गायब हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। उसने ग्रीन को ये सब चीजें पुलिस को बताने के लिए कहा होता है, वो ऐसा ही करता है। और एल की शादी वाले दिन ही पुलिस उसके वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही जो वहां से भाग खड़ा होता है। रायन को कैसी के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें कैसी की लाश के जले हुए हिस्से भी मिल जाते हैं। तभी रायन को फाइनल टेक्स्ट रिसीव होते हैं, एंजॉय द वेडिंग, लव, कैसी एंड नीना। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब सीधा बात करते हैं इसकी एंडिंग के बारे में और ये जानते हैं कि कैसे ऐसी अनकन्वेंशनल एंडिंग इस फिल्म को इतना ज्यादा खास बनाती है। किसी भी फिल्म में मेन कैरेक्टर को मरते हुए देखना ज्यादातर केसेस में हमारे दिमाग में एक अजीब सी डिसबैलेंस जैसे हालात पैदा कर देता है। ये किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक साहसी और बोल्ड रिस्क वाला फैसला होता है जो सबसे ज्यादा बेबस करने वाला होता है। ये हमारे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा करता है, और यहाँ यही तो इस एंडिंग का पॉइंट भी है। ये दिल दहलाने वाला तो होता ही है, पर यहाँ इसे एक बहुत ही रियल सब्जेक्ट मैटर की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर इसे एक स्टैटिस्टिकल नजरिए से समझें तो औरतें आदमियों की तुलना में सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीजों से कहीं ज्यादा इफेक्ट होती हैं, और यही चीजें फिल्म के क्लाइमेक्स में बखूबी दिखाई भी गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एल मनरो आखिरकार जेल जा रहा है, पर यह फिल्म हमें यह भी समझाती है कि ये कितने दुख की बात है कि पुलिस को ये केस नोटिस करवाने और आरोपी को सजा दिलवाने में किसी शख्स को किस हद तक जाना पड़ा। अक्सर सेक्सुअल असॉल्ट
या रेप जैसी चीजों को तब तक सीरियसली नहीं लिया जाता जब तक विक्टिम फिजिकली इंजर्ड ना हो। इस फिल्म की राइटर डायरेक्टर एमरल्ड फेनल इस एंडिंग को चुनने के पीछे के रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं, मुझे लगता है कि मैं भी इस फिल्म को उसी तरह एंड करना चाहती थी जैसे कि बाकी सब चाहते थे, पर जब मैं रिवेंज मूवी के उस मोड़ तक पहुंचती हूं जहां हम सब खून खराबे की मांग करने लगते हैं और जहां हम तहे दिल से ये चाहने लगते हैं कि कैसी हथियार निकाल के सबको सबक सिखाए, पर मुझे नहीं लगता कि एल इस बात पे कुछ नहीं करता। वो इस चीज को रोकने के लिए जो उसके बस में होता वो सब कुछ करता, और जिस तरह के वहां हालात थे उस लिहाज से वैसा हिंसक बदला ले पाने के चांस यहां कम नजर आते हैं, इसलिए इस फिल्म को एक रियलिस्टिक एंड देना ज्यादा इंपैक्टफुल था। जैसा कि डीन वॉकर वाले सीन से हमें पता चलता है कि उस केस को ही सेड शी सेड वाली सिचुएशन के बेस पर डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि इसके पक्ष में ज्यादा सबूत नहीं थे। फिर कॉलेज भी इस हादसे को भूल गया और मनरो ने बिना कोई कठिनाई झेले अपनी जिंदगी जी, ये कहते हुए कि जब वो सब हुआ तब वो एक बच्चा था और उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। वहीं दूसरी ओर नीना इस चीज से इतनी ज्यादा इफेक्टेड थी कि पहले उसने स्कूल छोड़ा और फिर सुसाइड करते हुए दुनिया ही छोड़ दी। उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी उसे न्याय दिलाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एंड में कैसी की किस्मत नीना से इस तरह जुड़ी हुई थी कि उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। उसने पूरी फिल्म उस हादसे से उबरने में निकाल दी और वो इस हद तक उसे कचोट रहा था कि वो बार बार क्लब जाकर नशे में होने का नाटक करती रही इस उम्मीद में कि कोई तो ऐसा लड़का होगा जो उसकी हालत का गलत फायदा नहीं उठाएगा, पर इतने सारे लड़कों से मिलने के बाद भी उसे एक भी ऐसा लड़का नहीं मिला। असल में कड़वी सच्चाई ये है कि सिस्टम सामाजिक पैमाने पर आज भी इन रेपिस्ट के पक्ष में नजर आता है और प्रॉमिसिंग यंग वुमन अपने विध्वंसक एंड से इसी बात को बखूबी रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आती है। अगर कैसी शादी देखने के लिए जिंदा रहती और एक एक्सपर्ट की तरह सबको खत्म कर देती तो यह फिल्म एक रिवेंज फैंटेसी बनकर रह जाती। यहां एक और दिलचस्प पहलू हमें नजर आता है कि यहां किसी स्ट्रिपर या सेक्स वर्कर को द गॉडफादर, हीट या अमेरिकन साइको मूवीज की तरह मेल कैरेक्टर द्वारा फिल्म के बीच में कहीं महज इस्तेमाल करके इनसिग्निफिकेंटली मारा नहीं जाता है, बल्कि यहां तो ये मर्डर हमें फिल्म थीम के सेंटर में खड़ा हुआ नजर आता है। ये तो हुई इसके अच्छे पहलुओं की बात, अब बात करते हैं इसकी कुछ खामियों पर। अगर हम रॉजर एबर्ट की वेबसाइट पे इस फिल्म के बारे में पढ़ें तो मैरी बेथ मैकएंड्रयूज इस फिल्म के कंक्लूजन के बारे में कहती हैं कि डायरेक्टर फेनल ने कैसी को मरवा के उसकी वजह से एस्टैब्लिश की गई सारी वुमेन एम्पावरमेंट को कमजोर कर दिया। पूरी फिल्म ऑडियंस को ये याद दिलाती है कि औरतों को जो इन चीजों से आघात पहुंचता है वो कुछ नहीं है, और अगर वो कभी उस आघात से उभरने की कोशिश करती हैं तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होती है। वो कैसी के लिए स्माइल या चीयर करना नहीं चाहती, वो फ्लोर पर लेटकर रोना चाहती हैं क्योंकि उन्हें याद है कि उनका अब्यूजर और उसके दोस्तों की नजरों में उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो उनके लिए उतनी ही बेकार है जितनी हवा में उड़ती हुई कैसी की अस्थियां हैं। ये एहसास कि यहां नई शुरुआत की कोई उम्मीद नहीं है किसी मायने में ट्रॉमा से बाहर आने नहीं देता। इसके आगे भी दुख और पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे भी लगता है कि मैरी की यह बात बिल्कुल वाजिब और जरूरी सवाल उठाती है, और जब हम इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं तो यह पहचानना बेहद अहम है कि यह फिल्म और इसके इश्यूज किसी के लिए कितने पर्सनल हो सकते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस इश्यू से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जैसा कि मैंने ये समझने की कोशिश की है और जैसे कि डायरेक्टर ने अपने एक्सप्लेनेशन में समझाया भी है कि हमें कैसी के जिंदा रहने और रिवेंज लेने के अलावा किसी चीज की इच्छा नहीं थी, ये हम में से उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा जो इस फिल्म से ये उम्मीद कर रहे हैं कि रेप के बारे में यहाँ कुछ हद तक कठोर और निराशाजनक रियलिटी हमें दिखाई जाएगी। और यहाँ मैं फैनल की कही गई एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ फिल्म की एक और एंडिंग ये हो सकती थी कि कैसी सबको मार देती और बाकी जिंदगी जेल में बिताती, ये वाकई भयानक होता। आप चाहे किसी भी तरह से देख लें पर इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ बस ये हो सकता था, लोगों को ये दिखा सकते हैं कि यहाँ न्याय किया गया है, हालांकि यहाँ न्याय करने वाली को इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें नहीं लगता कि कैसी के साइज की औरत एल जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी को फिजिकली ओवरपावर कर सकती है।
और आखिर में मैं ये कहकर इस वीडियो से विदा लेना चाहूंगा कि इसने बदला लेने की जर्नी के इस मिथ पर बड़े और वाजिब सवाल उठाए हैं, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। इसे कहानी के अलावा कैरी मिलिगन की शानदार परफॉर्मेंस के लिए जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था प्रॉमिसिंग यंग वुमन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अभी मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।